हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। हाय नमिता कुमारी, हाय अनीता, आ जाइए बच्चा, सभी अपना अपना ज्वाइनिंग ले लीजिए। हाय कृष्ण कुमार, क्या हो गया इस क्लास में? पीछे से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? हेलो विजेता राठी, चलो भाई अब शुरू हो चुका है, पहले नहीं हो रहा था, नाउ इट हैज़ बिन स्टार्टेड। ओके सो गाइस, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और सबसे पहले आप लोगों को मैं देना चाहती हूँ गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ क्या है भाई? अन अकेडमी सेलिब्रेट कर रहा है अ वेरी हैप्पी 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 न्यू ईयर आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग एक से लेके तीन तक लेते हैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इफ़ यू टेक दी सब्सक्रिप्शन बिटवीन 1 2 3 के बीच में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो बच्चे आपको 22% ऑफ मिलेगा मेरे कोड से। कोड आप लोगों ने अप्लाई करना है TANYALIVE। वैसे खाली कोड से पहले 10% ऑफ मिलता था, लेकिन न्यू ईयर के चलते आप लोगों को ऑफ मिल जाएगा। कितना देखने के लिए मिल जाएगा? 22% आपको कोड से ऑफ मिल जाएगा, ठीक है, और 10% का आपका मुनाफा करा देंगे। 10% के लिए और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं जी? 10% ऑफ के लिए आपको यहाँ पे हम क्रेडिट्स अप्लाई कर देना, ठीक है। सो व्हेन यू अप्लाई दी क्रेडिट्स, टोटल आप लोगों का बच्चे ये ऑफ हो जाएगा 22 + 10, टोटल 32% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। 32% ऑफ यू विल गेट इट ऑन अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। तो फटाफट से आप अपना ज्वाइनिंग ले सकते हैं, क्योंकि 32% बहुत बड़ा अमाउंट होता है यार। सिर्फ आपको पे ही क्या करना है, सिर्फ 68% आपको पे करना है, 32% तो आपको ऑफ में निकल ही जाएगा। तो आज ही अपना आप प्लस सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी आज हम करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये मैंने कल वाली ही फाइल खोली है, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कल कर लिए थे, तो 10 के आगे अभी हम आज करेंगे, ठीक है। इफ़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू विल बी डैश एंड मार्जिनल रेवेन्यू विल बी डैश। इसे आप कर लीजिए। यदि मूल्य लोच की मांग एकात्मक लोचदार है, तो कुल राजस्व का ढलान डैश होगा और सीमांत राजस्व डैश होगा। मैक्सिमम ग्रेटर देन 0, मैक्सिमम लेस देन 0, मैक्सिमम इज इक्वल टू 0, या फिर नन ऑफ दी अबव विल बी दी राइट आंसर। क्या लगता है जी आपको? अगर हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के इक्वल है, पहले तो ये देखो टोटल रेवेन्यू कितना होगा, फिर टोटल रेवेन्यू के हिसाब से आप लोग मार्जिनल रेवेन्यू देखना, एमआर देखना कितना होगा। बुक का जी आपके नंबर पे एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, टेक्स्ट मैसेज में आपका ट्रैकिंग नंबर वगैरह, कितने बजे यहाँ से चली है दिल्ली से, तो पूरी डिटेल होगी, आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए आपको नंबर भेजा जाएगा। अगर इन केस टेक्स्ट मैसेज नहीं आता, तो आप व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं बुक टीम से, दे विल सेंड यू मैसेज टू यू, ठीक है। हाँ तो बच्चे, अगर हमारा ये हम लोग बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा यूनिटरी इलास्टिक है, यानी कि ई की वैल्यू किसके बराबर है? ई की वैल्यू बराबर है आप लोगों का 1 के बराबर है, ठीक है। अभी तो गया ही हुआ है स्लॉट,
आज का वेट कीजिए, आज आज में आ जाएगा। तो जब इलास्टिसिटी की वैल्यू हमारी 1 के बराबर होती है, दैट विल बी अ केस ऑफ रेक्टेगुलर हाइपरबोला। ओके, तो बच्चे यूनिटरी इलास्टिक में जो आप लोगों का टोटल रेवेन्यू रहता है, टी आर रहता है, टी आर इज बेसिकली मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि यूनिटरी इलास्टिक का मतलब है भले ही प्राइस कम हो, भले ही प्राइस नीचे जाए, ठीक है, इसको यहाँ पे फिक्स टोटल रेवेन्यू मिल ही रहा है, ठीक है, फिक्स टोटल रेवेन्यू मिल रहा है, तो दैट विल बी मैक्सिमम। और एक फॉर्मूला बच्चे आप लोगों का और होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है ये वाला देखिए, एम आर इज इक्वल टू प्राइस 1 - 1 बाई ई वाला। सो व्हेन वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एम आर की वैल्यू कितनी आएगी, एम आर की वैल्यू हमारे यहाँ पे 0 आ जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, मार्शल एंड डिमांड कर्व कैन बी डेराइव विद द यूज ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, इफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज इग्नोर्ड। प्राइस इफेक्ट, मूल्य प्रभाव, इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव या फिर डिमांड इफेक्ट, मांग प्रभाव। मार्शल एंड डिमांड कर्व को आप लोग डिराइव कर सकते हैं अगर हम लोग किसको इग्नोर करेंगे बच्चा, इनकम इफेक्ट को अगर आप इग्नोर करते हैं। देखो जब आप आंसर देते हो ना, 12th क्वेश्चन चल रहा है तो ऐसे दो, 12th का भी पता तो लगे 11th का दे रहे हो 12th का दे रहे हो, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इनकम इफेक्ट को अगर हम लोग इग्नोर करेंगे तो हम इसे निकाल सकते हैं। इन स्विजी मॉडल ऑफ ओलिगोपोली एन इंक्रीज इन डिमांड विल मेक अपर पोर्शन ऑफ दी डिमांड का, जैसे 13 क्वेश्चन है ना, 13 का ऐसा लिख कर बताना। मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, इंटर इलास्टिक या फिर नॉन ऑफ दी अबव। अधिक लोचदार, कम लोचदार, एकात्मक लोचदार या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एन इंक्रीज इन डिमांड विल मेक अपर पोर्शन ऑफ दी डिमांड का क्या करेगा? देखिए बच्चे, इसका मोर इलास्टिक रहेगा, ठीक है, लेस इलास्टिक नहीं होगा, ये हम पे गलत दे रखा है, दिस विल बी मोर इलास्टिक। हाँ मैं तो कह रही हूँ ये होगा। देखो इसमें क्या होता है कि अगर प्राइस को नीचे करने की कोशिश करते हैं तो सामने वाली फर्म उसको इग्नोर करती है, ठीक है। देखिए जब ऊपर करेगा तो इग्नोर करेगी, तो जितना सोचता है वो उतना नहीं बढ़ता, इस वजह से यहाँ पे आप लोगों का लेस इलास्टिक वाला प्रोपोर्शन हो जाता है। वहीं अगर आप इसके नीचे जाएंगे तो नीचे में क्या होता है, नीचे में जब प्राइस कम किया जाता है सामने वाली फर्म और कम कर देती है, मतलब ज़्यादा चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा, और जब ज़्यादा चेंज देखने के लिए मिलता है तो फिर आप लोगों का कैसा रहेगा, यहाँ पे ये मोर इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड विल मेक दी, नहीं, सही है, अपर पोर्शन तो आपका लेस इलास्टिक होगा, जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है वो मोर इलास्टिक होगा।
क्योंकि जब ये कम करते हैं ना तो सामने वाली राइवल फर्म क्या करती है, और ज़्यादा कम कर देती है। सही है भाई, लेस इलास्टिक ही होगा ये। जब ऊपर करते हैं तो ऊपर वाले को इग्नोर करते हैं, तो इग्नोर होने की वजह से सोचते हैं कि भाई जितना चेंज होना चाहिए वो होता नहीं है। तो दैट इज वेरी फनी। टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्म इज ऑब्टेन्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ डैश एंड इट्स डैश। फर्म का कुल राजस्व और उसके डैश के उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। टोटल रेवेन्यू हिंदी में बोले तो आप इसे कुल राजस्व। देखिए बड़ा सिंपल सा है, अगर कहीं आप किसी बिजनेस में हैं, ठीक है, या कोई अगर आप प्रोडक्ट बेचते हैं, ऐसा पता लगेगा आपने कितना पैसा कमाया। टीआर के बारे में कैसे मिलेगा आपको? टीआर आप लोगों का पी मल्टीप्लाई बाय क्यू हो जाएगा। पी मल्टीप्लाई बाय क्यू होने से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है जी? पी मल्टीप्लाई बाय क्यू होने से हमारा ये मतलब होता है बच्चे, मान लीजिए आप 500 रुपये की कोई चीज़ बेच रहे हैं, आपने 10 क्वांटिटी बेच दी, तो टोटल रेवेन्यू कितना निकल कर आएगा? 5,000। अब कई लोग ये समझ लेते हैं कि भाई टोटल रेवेन्यू ही प्रॉफिट के इक्वल है, पर ऐसा नहीं है। इसमें से प्रॉफिट निकालने के लिए बच्चा अभी आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको टोटल कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी। तो ये 5K में से अभी आप लोगों का सब्ट्रैक्ट होगा, मान लो 3K टोटल कॉस्ट है तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई? प्रॉफिट की वैल्यू फिर आपकी 2K आ जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स ग्रेटर देन एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई, द कंज्यूमर विल डैश। अगर एम यू एक्स ग्रेटर देन है एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई, तो उपभोक्ता क्या करेगा? कंज्यूम मोर आइटम्स ऑफ गुड एक्स, कंज्यूम मोर आइटम्स ऑफ गुड वाई, कंज्यूम मोर आइटम्स ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई, नन ऑफ द अबव। वस्तुओं की अधिक वस्तुओं का उपभोग करें, माल एक्स और माल वाई की अधिक वस्तुओं का उपभोग करना, इनमें से कोई भी नहीं। फिफ्टीन क्वेश्चन के बारे में आपने यहाँ पे बताना है। ये देखो ध्यान से देखो, हम लोग क्या कह रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर कि जो हमारा एम यू एक्स डिवाइड बाय पी एक्स है ग्रेटर देन है एम यू वाई डिवाइड बाय पी वाई से। इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई, ये हमारी संतुलित है, संतुलन है, ये हमारा इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। तो ये कब अवेल हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ तभी अवेल हो सकता है जब एक्स की ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करी जाएंगी। एक्स की अगर ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है, सीमांत उपयोगिता, वो धीरे धीरे यहाँ पे घटता चला जाएगा, और जैसे ही ये घटेगा तो ये फिर बैलेंस हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा ये। इफ़ द शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ फर्म आर राइजिंग देन दिस इंडिकेट्स दैट। क्वेश्चन नंबर 16। कुल लागत अधिकतम पर है, औसत निश्चित लागत स्थिर है,
सीमांत लागत औसत परिवर्तनीय लागत के ऊपर है। औसत परिवर्तनीय लागत औसत निश्चित लागत से नीचे है। क्या होगा ऐसे केसेस में? देखिए, अगर ए बी सी बढ़ रहा है तो आप इससे क्या इंडिकेट करेंगे? देखिए, इसमें कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हमारा जब ए बी सी और ए टी सी का रिलेशन एक जैसा ही होता है, ठीक है? तो अगर ए सी बढ़ रहा है, ए सी बढ़ने पे जो आप लोगों का एम सी होगा, बच्चे एम सी कैसे होगा? एम सी अबव ए सी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सो करेक्ट आंसर है टू बी सी ऑप्शन, आप लोगों का यहाँ पे नजर आएगा आपको। इन कार्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी ऑफ मनी इज, पैसे के उपभोक्ता व्यापार की सीमांत उपयोगिता के कार्डिनल दृष्टिकोण में है। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कॉन्स्टेंट, वेरीज विद टाइम एंड सिचुएशन, बढ़ रहा है, घटता है, स्थिर है, समय और स्थिति के साथ बदलता रहता है। देखिए, कार्डिनल के अंदर जो आप लोगों की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है, कांस्टेंट होती है, क्योंकि नहीं अजम्पशन बना के चलते हैं ऐसा कि जो सीमें की सीमांत उपयोगिता है वो कैसी रहेगी, सीमें की जो सीमांत उपयोगिता है बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। ओके, सो सी विल बी दी राइट ऑप्शन। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग। लो, पीपल जनरली स्पेंड अ स्मॉलर पार्ट ऑफ देयर बजट ऑन फूड एज देयर इनकम राइजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस सिचुएशन रेफरिंग टू? आमतौर पर लोग अपने बजट का एक छोटा हिस्सा अपने आय बढ़ने पर भोजन पर खर्च करते हैं। निम्नलिखित में से यह स्थिति किसकी है? फिशर डायलेमा, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, एंजेलो या फिर इंडियन थ्योरी? कौन सी थ्योरी है ये?
आमतौर पर लोग अपने बजट का एक छोटा हिस्सा अपने आय पर खर्च करना चाहते हैं। क्यों क्यों क्यों? देखिए, ये कॉन्सेप्ट हमारा एंजल लॉ का होता है। सो करेक्ट आंसर है टू बी सी, ऑप्शन विल बी दी राइट वन। और इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो उसका कुछ ही पार्ट फूड पे स्पेंड किया जाता है। सो सी विल बी दी राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। The theories of consumer behavior explains that उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत बताते हैं कि how to maximize utility without considering budget constraint, how to maximize utility from consuming goods and services within the limit of budget, how to allocate budget without considering utility of maximization, या फिर all of the above। क्या बताते हैं बच्चे आप लोगों को जो उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत होते हैं? बजट बाधा पर विचार किए बिना उपयोगिता को अधिकतम कैसे करें? बजट की सीमा के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से अधिकतम उपयोगिता कैसे प्राप्त करें? उपयोगिता अधिकतमकरण पर विचार किए बिना बजट कैसे बंटित किया जाए या उपरोक्त के सभी? देखिए, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वी मैक्सिमाइज यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द लिमिट ऑफ बजट। बजट की सीमा के भीतर कैसे वस्तु और सेवा के उपभोग से अधिकतम उपयोगिता कैसे प्राप्त की जा सकती है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर डालते हैं। बी विल बी दी राइट आंसर। के इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो, डिमांड इज, यदि लोच शून्य के बराबर है तो मांग क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 20, ई इज इक्वल टू जीरो, मांग से हमारा मतलब है ए आर किसके बराबर होगा?
देखिए, अगर इलास्टिसिटी शून्य के इक्वल हो गई तो इसका मतलब जो हमारा डिमांड कर्व है वो परफेक्टली इनइलास्टिक बनेगा ना, कि आपके पास उस चीज़ का कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं. सो दैट विल बी दी परफेक्टली इनइलास्टिक, और बी विल बी दी राइट ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. ओके, तो इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे ये होगा. और लेट मी माइक करो. ये वाला हमारा हो गया ना फाइल. अब अगली फाइल ओपन करें. एक फाइल तो हो गई हमारी कंप्लीट पूरी. लो भाई, यहाँ से शुरू हो जाओ. वट विल हैपन इफ लेबर प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड? श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होने पर क्या होगा? बैलेंस कैश वेज विल डिक्रीज, कॉम्पिटिटिव फर्म्स विल बी फोर्स टू इन्वेस्ट मोर, लेबर डिमांड का विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, या फिर नन ऑफ द अबव. ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आया था जी, सेम टू सेम ऐसा ही कुछ इस तरीके का सवाल पूछा गया था. देखिए, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास लेबर काम कर रही थी, तो पहले वो बनाती थी 50 प्रोडक्ट्स, वो बना रही है 100 प्रोडक्ट्स. तो ऐसे में जो लेबर का डिमांड कर्व है वो कहाँ मूव कर जाएगा? विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. श्रम का जो मांग वकर है वो दाई और खिसक जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा. सो सी विल बी द राइट आंसर. ओके, ट्रांसफर अर्निंग और ऑल्टरनेटिव कॉस्ट इज अदरवाइज नोन एज. स्थानांतरण आय या वैकल्पिक लागत को अन्यथा कहा जाता है. वेरिएबल कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. देखिए, अगर हम कहीं कुछ छोड़ रहे हैं तो वो हमारी एक ऑल्टरनेटिव कॉस्ट के अंदर भी आ जाता है. तो इस चीज़ को आप लोग क्या बोलेंगे? इस चीज़ को बच्चे आप लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से भी आप लोग इसे जानेंगे. ठीक है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यार. अभी मैं इन लोगों के साथ काम कर रही हूँ तो मैं क्या क्या छोड़ कर काम कर रही हूँ. अभी इस टाइम पे मैं कहीं और किसी कंपनी की भी क्लास ले सकती हूँ, पर नहीं, मैंने अन अकेडमी को ही चुना है. तो जो मैंने छोड़ा है वो मेरी क्या कहलाएगी? वो मेरी फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी. ठीक है, दिस सरप्लस अर्न्ड बाय अ फैक्टर अदर दस लैंड इन द शॉर्ट पीरियड इज रेफर्ड एज. एक अन्य कारक द्वारा अर्जित अधिशेष. इस प्रकार श्रम कम अवधि में भूमि को संदर्भित करता है. इकोनॉमिक रेंट, नेट रेंट, क्वाजी रेंट, या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. Thank you.
हाँ जी, ये आप लोगों का बच्चे क्या कहलाएगा, ये आप लोगों का क्वालिटी रेंट कहलाएगा, यानी कि अर्ध किराया कहलाने वाला है। सो करेक्ट आंसर है टू बी, सी हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, हु डिफाइन रेंट एज दैट पोर्शन और प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज पेड टू द लैंड लॉर्ड फॉर द यूज ऑफ ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ द सॉइल। किसने किराए को पृथ्वी के उस हिस्से या उपज के रूप में परिभाषित किया है जो जमींदार को मिट्टी के मूल और अविनाशी शक्ति का उपयोग के लिए भुगतान किया जाता है? ये काम करा है जी रिकार्डो ने किया है। सो ए विल बी दी राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। एक्सप्लोइटेशन ऑफ लेबर इज सेट टू एग्जिस्ट व्हेन, श्रम का शोषण तब कहा जाता है। एज इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। देखिए, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर तब होगा जब उससे काम ज़्यादा लिया जाता है और उसको वेज रेट कम दी जाती है। सो व्हेन वेज रेट इज़ लेस देन योर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे नज़र आएगा बी विल बी दी राइट आंसर। इन इक्विलिब्रियम अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म विल इक्वेट, संतुलन में एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी फर्म बराबर होगी। किसके बराबर होगी आपने बताना है। क्या करेंगे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के अंदर हम लोग किसको इक्वेट करेंगे? देखिए, अल्टीमेटली तो हमारा एजेंडा यही है कि MR को बराबर रख देना है किसके, MC के बराबर रख देना। बच्चे जैसे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर रहेगा, यानी कि सीमांत राजस्व के बराबर होगी, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अ कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न्स, लंबी अवधि के संतुलन में एक प्रतिस्पर्धी फर्म कमाती है, क्या कमाती है ये?
कर लीजिए बच्चा, इसके बारे में भी आप देखिए। लॉन्ग रन के अंदर ये अर्न करती है नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करती है, यानी कि सामान्य लाभ इसने कमाना होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये ज़्यादा अर्न करेगी तो फिर आप लोगों को पता है क्या होगा, सारी की सारी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी तो सारी की सारी फर्म इसमें एंटर करने की कोशिश करेंगी, और अगर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी तो फिर सब यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, मतलब लॉस अर्न करेंगी, इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है, सरप्लस अर्नड बाय अ फैक्टर, सरप्लस अर्नड बाय अ फैक्टर अदर दस लैंड इन द शॉर्ट पीरियड इज रेफर्ड एज। इकोनॉमिक रेंट, नेट रेंट, कितना कितना आएगा आपको यहाँ पे बताना है। एक अन्य कारक द्वारा अर्जित अधिशेष इस प्रकार कम अवधि में भूमि को संदर्भित करता है। इसे आप लोग बच्चे क्वासी रेंट का ही नाम देते हैं, सो सी विल बी द राइट आंसर। अर्ध किराया आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर। वेज फंड थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, मजदूरी निधि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मजदूरी निधि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था जी? इसको किया गया है J.S. मिल द्वारा प्रतिपादित किया गया है, सो बी विल बी द राइट आंसर। देखिए, J.S. मिल सेड दैट वेजेस मेनली डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ लेबर और द प्रोपोर्शन बिटवीन पॉपुलेशन एंड कैपिटल अवेलेबल, इन सब चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करेगा। ओके, लो जी अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू स्टेजेस ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, अंडर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल द चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट्स इज ग्रेटर देन द प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन डैश डिस्टेंस बिटवीन आइसोको एंड कीप्स। इनपुट डिक्रीज करेगा, आउटपुट इंक्रीज करेगा, वेरिएबल्स होगा डिक्रीजिंग होगा, या फिर इनपुट एंड कांस्टेंट रहेगा, क्या करेगा इसमें? वापसी पैमाने के चरणों के अनुसार घटते रिटर्न के पैमाने के अनुसार आदानों के अनुपात में परिवर्तन में अनुपातिक परिवर्तन से अधिक है के बीच की दूरी को डैश रखता है।
देखिए, ये आप लोगों का जो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, दे विल टेल अबाउट द चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, और जो डिस्टेंस है हमारा बिटवीन दी आइसोक्वेंट कैसा होगा, बढ़ता हुआ नज़र आएगा, इंक्रीजिंग नज़र आएगा, तो बी विल बी दी राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन, अच्छा एक मिनट, स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग। अच्छा गाइस, अगर आप में से किसी ने अनअकैडमी को डाउनलोड नहीं करा हुआ तो बच्चे आप लोग कर लीजिएगा, जो भी सेशन को पहली बार देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को यूजीसी नेट के लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड करी जा रही है। फ्री कोचिंग कैसे मिलेगी आपको, आपने बच्चे प्ले स्टोर पे जाना है और अनअकैडमी की आपको डाउनलोड करना है। फिर डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही वहाँ पे सर्च करेंगे तान्या भाटिया, तो मेरी प्रोफाइल इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आप कहीं भी इधर स्पेशल क्लास वाली कैटेगरी में जाइएगा, तो स्पेशल क्लास में आप जैसे ही जाएंगे तो ये सारा आपका भी दिखा देती हूँ आपको। अभी ये सब तो देखो प्लस ओपन हो रहा है, प्लस तो आपका पेड है, तो सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। ये देखिए, जैसे स्पेशल क्लास है ना, तो इस पे आप लोग जा सकते हैं देखने के लिए। मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक किया, फिर आपसे कोड मांगेगा, तो कोड में आपने वही अपना TAN, ऐसे वॉच नाउ पे आप जाएंगे ना, वॉच नाउ पे जाने से पहले आपसे कोड मांगेगा, तो आपने TANYLIB लगा देना है और क्लास आप लोगों की इस तरीके से शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे स्टार्ट हो जाएगी जैसे अभी स्क्रीन के ऊपर ही आ रही है, तो इट विल स्टार्टेड। इसको हम हटा देते हैं, चलो वापस आ जाओ अपनी फाइल पे। लो ऐसे करो जरा, द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस द कंज्यूमर इज प्रिपेयर टू पे फॉर अ कमोडिटी एंड द प्राइस विच ही एक्चुअली पेज, इट इज कॉल्ड एज। उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु के लिए भुगतान करने के लिए तैयार कीजिए कीमत, और वह वास्तव में जो कीमत चुकाता है के बीच का अंतर क्या कहलाता है। गुड आफ्टरनून गेमिंग टेक। देखिए, कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। जब भी आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपके मन में एक प्राइस आ जाता है उसके लिए, किससे ज़्यादा पे नहीं करूँगा या करूँगी। तो दिस इज़ बेसिकली नोन एज दी कंज्यूमर सरप्लस। कैसे निकालते हैं आप लोग, अमाउंट विलिंग टू पे माइनस अमाउंट एक्चुअली पेड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड आर डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई कर्व। निम्नलिखित में से किसे आपूर्ति वक्रों का निर्धारक माना जाता है। उत्पादन तकनीक, स्वाद और प्राथमिकता, उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की आय की उम्मीदें। देखिए, सप्लाई कर्व का जो हमारा रिलेशन है, दैट वुड बी रिलेटेड विद योर, यही हमारा आज का लास्ट बम्पर क्वेश्चन भी रहेगा जी। हाँ, इसका रिलेशन प्रोडक्शन से होता है, प्रोड्यूसर से होता है, सो ए विल बी दी राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा।
एंड गाइज आई होप यू लाइक दिस सेशन, आपने इसे इंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी UGC नेट की फ्री क्लासेस मिल सकें। एंड गाइज ऑल दोस लर्नर्स हु आर प्लानिंग टू टेक द सब्सक्रिप्शन, तो भाई आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि 2022 हमारा न्यू ईयर दैट इज़ वेरी वेरी स्पेशल। अगर आप 1, 2 या 3 को सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू विल गेट 32% ऑफ। 22% तो आपको मेरे कोड से लग जाएगा, TANYALIVE आप लगाएंगे, और 10% बच्चे आपको क्रेडिट सप्लाई करने से मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आने वाली जो भी वीडियोस की नोटिफिकेशन होगी इसी पे आप लोगों को मिलेगी। और ये मेरा इस साल का लास्ट क्लास था 2021 का, तो आई होप आप सभी ने इसको इंजॉय किया होगा। बच्चे आप सभी को अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अपने चैनल पे व्लॉग डालूंगी न्यू ईयर का, ठीक है, तो आई विल पुट अ व्लॉग ऑन माय चैनल, तो वहाँ भी आपके साथ लाइव हैप्पी न्यू ईयर बनाएंगे। और अभी के लिए आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप चाहते हैं ज़िंदगी में, वो इसी साल आपकी मनोकामनाएं सारी पूरी हो जाएं, ठीक है। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, मे एंजॉय दिस एंड यू एंजॉय दिस ईयर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, सी यू।